नमस्कार बच्चों। बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में हमने इसके बाद पढ़ा था कि स्वतः विखंडन क्या होता है। स्वतः विखंडन के पश्चात जो हमने पढ़ा था वो था बेटा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, स्वतः विखंडन, इसके बाद विभव रोधी का। एक शब्द था अपने पास, विभव रोधी का, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था कि नाभिकीय जो विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें आया था नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है। इस नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के दो प्रकार थे और वो कौन कौन से थे। एक तो अपने पास था नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, और जो दूसरा प्रकार था अपने पास वो था अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अब आज हम पढ़ेंगे नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है। आज अपना जो टॉपिक है वो है नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। बेटा, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या है कि बालों, हमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये जो न्यूट्रॉन है अपने पास, ये न्यूट्रॉन जब किसी भारी नाभिक से संघात कराता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये अपने पास है कोई भारी नाभिक होगा, इस पर इस न्यूट्रॉन ने क्या करवाया, संघात करवाया है, तो ये भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, कि ये भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभक्त हो गया और यहाँ पर हमें इसके अलावा न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन हमें मिले, अगर ये वापस किसी अभिक्रिया में भाग ले ले, वापस से किसी भारी नाभिक को विखंडित कर दें, तो ये अपनी क्या कहलाती है, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में पहली कौन सी, नियंत्रित, कि जिसके लिए देखो हमने पढ़ा था के क्या होता है, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। बेटा, जो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक होता है वो होता क्या है कि विखंडन वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या और अपोन में विखंडन से पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इसका अनुपात जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। अगर इसका मान बेटा एक है, इसका मतलब क्या है, ये विखंडन में जितने न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए पहले भी उतने ही न्यूट्रॉन अपने पास थे। अगर किसी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए के का मान एक होता है तो वो कहलाती है नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा, ये नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। अब नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है इसका बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है नाभिकीय भट्टी। नाभिकीय भट्टी, अब देखो नाभिकीय भट्टी को समझो कि नाभिकीय भट्टी में होता है क्या बेटा, नाभिकीय भट्टी के मुख्यतः पांच भाग होते हैं। इन पांच भागों के बारे में हम बताएंगे। देखो, पांच भागों में जो पहला होता है बेटा वो होता है परिरक्षक। पहला भाग इसका होता है परिरक्षक, दूसरा होता है विखंडनीय पदार्थ, तीसरा अपने पास होता है इसके अलावा मंदक, चौथा जो इसका भाग होता है वो होता है बेटा नियंत्रक छड़े, और पांचवा जो इसका भाग होता है वो होता है शीतलक। इन मुख्यतः नाभिकीय भट्टी को इन पांच भागों में बांटा जाता है। बेटा देखो, नाभिकीय भट्टी होती क्या है ये समझो। अगर हम नाभिकीय भट्टी की बात करते हैं तो नाभिकीय भट्टी में होता क्या है कि भी माना अपने पास ये एक परिरक्षक होता है बेटा, ये परिरक्षक है। इस परिरक्षक के अंदर क्या होता है कि अपने पास एक आवरण होता है, इस आवरण के अंदर कुछ दूरी पर यूरेनियम की छड़े लगी होती है। किसकी छड़े लगी होती हैं, यूरेनियम की छड़े। बेटा ये जो यूरेनियम की छड़े होती हैं ये
किसका कार्य करती है, ये करती है विखंडन पदार्थ का कार्य करती है। इसके बीच में इस प्रकार से अपनी नियंत्रक छड़ी लगी होती और इन यूरेनियम की छड़ों के बीच में बेटा मंदक पदार्थ बरा होता है जो यहाँ पर उपस्थित न्यूट्रॉनों को किसका कार्य करता है, मंदित करने का कार्य करता है। ये जो बाहर का आवरण है ये होता है परिरक्षक, ये हो गया अंदर इसके मंदक, इसके बाद ये होती है नियंत्रक छड़ी, ये हो गया विखंडनीय पदार्थ, और यहां से बेटा शीतलक इसमें प्रवाहित तो होता है। इस जगह से पंप की सहायता से हम यहां पर शीतलक प्रवाहित करते हैं और ये शीतलक ऊपर की तरफ भी अपने पास यहां से वापस निकल जाता है। ये सिस्टम होता है इसका, ठीक है। आगे यहां पर एक वो लगा होता है, पात्र लगा होता है जिसमें ठंडा जल भरा होता है। इस पात्र का एक सिरा आगे जाता है, देखो यहां से बेटा ठंडा जल अंदर प्रवेश करता है इसमें, या ठंडी हवा अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के कारण अंदर अपने यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये इस ऊष्मा के कारण ये जो ठंडा जल या हवा थी गर्म हो जाती है, ऊपर से वापस इसमें आती है। इस ठंडे जल के कारण यहाँ पर भाप उत्पन्न होती है और वो भाप आगे जाती है और टर्बाइन को घुमाती है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, अपने पास विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जो पांच भाग हमने नाभिकीय भट्टी के बताए थे, उन पांच भागों के बारे में बात करते हैं। पहला था परिरक्षक। परिरक्षक से पहले बेटा मैं सबसे पहले बात करता हूँ विखंडनीय पदार्थ की। देखो नाभिकीय जो भट्टी होती है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है, और नाभिकीय विखंडन बेटा अपने पास जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में दो, एक बाहरी नाभिक दो या दो से छोटे नाभिकों में विभाजित होता है। जब भी कोई बाहरी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो, विखंडनीय पदार्थ के रूप में जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है बेटा, और ये जो 92 यूरेनियम 235 है इसको एल्यूमिनियम के पात्रों में भरा जाता है, एल्यूमिनियम के पात्रों में हम इसमें को भरते हैं। इसके अलावा बेटा अगर बात करते हैं, देखो जब विखंडन होगा कब, जब 92 यूरेनियम 235 पर हम किसकी बोछार कराते हैं बेटा, न्यूट्रॉन कण की इस पर बोछार कराएंगे तो यहाँ पर ये विखंडन होगा, और विखंडन के पश्चात ही दो भागों में बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। बेटा देखो होता क्या है, विखंडन के पश्चात जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उनका वेग बहुत ज्यादा होता है। इन न्यूट्रॉनों के वेग को क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉनों के वेग को हम कम करते हैं, और कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो मंदक होता है। इसका उपयोग करते हैं कम करने के लिए वेग को, न्यूट्रॉनों के मंदक का हम उपयोग करते हैं। और बेटा मंदक के रूप में मुख्यतः हम काम में क्या क्या लेते हैं, तो एक तो हम काम में लेते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा हम काम में लेते हैं भारी जल यानी कि D2O, ये दोनों मंदक के रूप में काम होते हैं। बेटा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जब तक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं बनेगी, जब तक मंदित न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक से अभिक्रिया नहीं करता, तो मंदित न्यूट्रॉन की बात हो गई। अभी न्यूट्रॉन मंदित हो गए, इसके बाद जो तीसरी होती है बेटा अपने पास होती है नियंत्रक छड़ी। कौन सी होती है, नियंत्रक छड़ी। नियंत्रक छड़ का काम क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो कि श्रृंखला होती है उसको नियंत्रित करती है। श्रृंखला कैसे बेटा, मंद जो अपने पास नियंत्रक छड़े होती है इसके रूप में हम कैडमियम छड़ों का उपयोग किया करते हैं। कौन सी छड़ों का उपयोग करते हैं, कैडमियम छड़ों का उपयोग करते हैं, और जो कैडमियम की छड़े अपने पास होती हैं ये अच्छी अवशोषक होती है न्यूट्रॉन की। मतलब जब भी हमें अभिक्रिया को नियंत्रित करना होगा इन छड़ों को हम नीचे इसमें क्या कर देंगे, अंदर की तरफ इसमें डाल देंगे, और ऐसी स्थिति में होगा क्या, जब ये अंदर की तरफ जाएंगी तो ये यहाँ पर उपस्थित न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगी, और बेटा जब अभिक्रिया में अपने पास न्यूट्रॉन बचेंगे ही नहीं तो अभिक्रिया अपनी आगे नहीं चलेगी। हो गया, अगला होता है शीतलक। बेटा देखो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण नाभिकीय भट्टी जो होती है इसका ताप बढ़ जाता है। नाभिकीय भट्टी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इस नाभिकीय भट्टी के ताप को कम करने के लिए क्या करने के लिए,
कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शीतलक का उपयोग करते हैं। और बेटा शीतलक में मुख्यतः हम जो उपयोग करते हैं वो या तो ठंडा पानी होता है या फिर CO2 होता है। क्या होता है? ठंडा पानी या CO2। इसके अलावा अमोनिया का भी हम उपयोग करते हैं, NH3। इन तीनों का उपयोग किया जाता है किसके लिए, नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में। अब अगला जो अपना भाग होता है परिरक्षक। बेटा देखो जो परिरक्षक होता है उसका काम क्या है। देखो जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो नाभिक के अंदर बेटा अपने पास होते क्या है, अत्यधिक मात्रा में हानिकारक, इस नाभिकीय भट्टी के अंदर अत्यधिक मात्रा में हानिकारक जो कण होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। इन हानिकारक विकिरणों से आसपास के वातावरण को बचाने के लिए कंक्रीट और सीमेंट की मोटी दीवार बनाई जाती है जिसे परिरक्षक कहते हैं, हो गया बेटा। अब आगे देखो इसकी कार्यप्रणाली मैंने आपको बता दी और इसकी बनावट बता दी आप, ठीक है। अब देखो नाभिकीय भट्टी जो होती है उसका उपयोग कैसे करते हैं। बेटा नाभिकीय भट्टी का जो उपयोग किया जाता है, नाभिकीय भट्टी का सबसे बड़ा उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में, कि हम नाभिकीय भट्टी की सहायता से विद्युत धारा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा एक सबसे और उपयोग होता है प्लूटोनियम प्राप्त करने में, मतलब Pu-239 भी हम नाभिकीय भट्टी की सहायता से प्राप्त करते हैं बेटा। तीसरा जो अपने पास उपयोग होता है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को प्राप्त करने में हम नाभिकीय भट्टी का उपयोग करते हैं। तो नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय जो श्रृंखला अभिक्रिया थी नियंत्रित, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था बेटा नाभिकीय भट्टी। और नाभिकीय भट्टी के 5 भाग थे, परिरक्षक, मंदक, विखंडनीय पदार्थ, नियंत्रक छड़े और शीतलक। इन 5ों की सहायता से हमने इस नाभिकीय भट्टी को समझा बेटा। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है नाभिकीय भट्टी के पश्चात, वो अगला जो अपना टॉपिक है वो है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर बेटा देखो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो होते क्या है। देखो नाभिकीय रिएक्टरों को जहाँ पर, या कह दो नाभिकीय भट्टी को रिएक्टर बोल दो या भट्टी बोल दो बेटा बात एक ही होती है। नाभिकीय भट्टी का जो वर्गीकरण होता है वो किस हिसाब से किया जाता है, तो हम नाभिकीय भट्टी के वर्गीकरण की बात करते हैं। नाभिकीय भट्टी का जो वर्गीकरण होता है वो एक तो ईंधन के आधार पर किया जाता है, ईंधन एवं मंदक के आधार पर करते हैं। पहला किसके आधार पर हो गया, ईंधन एवं मंदक के मिश्रण के आधार पर हम नाभिकीय भट्टियों का वर्गीकरण करते हैं। इस आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, और जो 2 प्रकार अपने पास है वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया समांगी रिएक्टर या समांगी भट्टी, और दूसरा अपने पास कौन सा होता है, विस्मांगी रिएक्टर या विस्मांगी भट्टी। समांगी में होता क्या है बेटा, देखो समांगी में ईंधन और इसके अलावा मंदक दोनों का जो पदार्थ होता है वो एक जैसा होता है, एक समान होता है, तो वो समांगी होता है। अगर हम उल्टा कर दें, मतलब इसका मतलब क्या है कि ईंधन को एक खोखले पात्र में भर दिया और उस पात्र के अंदर, उस पात्र को फिर हमने मंदक के पात्र में रख दिया, मतलब अलग अलग कर दिए दोनों को, पहले ईंधन को अलग पात्र में भरा फिर मंदक को अलग में, तो ये कौन सा हो गया, विस्मांगी भट्टी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, तो जिससे विखंडन होता है, इस न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर जो नाभिकीय भट्टी होती है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, वो 3 प्रकार का होता है। और जो 3 प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर अपने पास हैं वो कौन कौन से हैं, एक होता है तापीय रिएक्टर या तापीय भट्टी। बेटा तापीय भट्टी में होता क्या है, इसमें ईंधन का विखंडन जो होता है, या कह दो कि यूरेनियम-235 का जो विखंडन होता है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, कि नाभिकीय तापीय भट्टी में यूरेनियम-235 का विखंडन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें दूसरा होता है माध्यमिक रिएक्टर, नंबर 2 पर जो अपना आता है वो होता है माध्यमिक रिएक्टर। बेटा माध्यमिक रिएक्टर में होता क्या है कि जो अपने पास विखंड न्यूट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, मतलब नाभिकीय इस भट्टी में, माध्यमिक भट्टी में जिसका उपयोग करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा होती है अपनी न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। एक होता है तीव्रगामी भट्टी या तीव्रगामी रिएक्टर। बेटा तीव्रगामी जो रिएक्टर होता है उसमें होता क्या है कि जो ईंधन होता है उस
वो जो विखंडनीय पदार्थ होता है या जो ईंधन होता है उसके लिए जो न्यूट्रॉन की ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार हो गए, एक तो ईंधन एवं मंदक के मिश्रण के आधार पर हमने नाभिकीय भट्टी को बांटा, दूसरा न्यूट्रॉन की ऊर्जा के आधार पर बांटा। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया अपने पास सेकंड। अब बात करते हैं बेटा नंबर तीसरी स्थिति की, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर भी नाभिकीय भट्टी को बांटा जाता है, और उपयोग के आधार पर बेटा नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर 5 भागों में बांटा जाता है। और जो 5 भाग अपने पास हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अपने पास ग्रेफाइट, मंदित, अनुसंधान रिएक्टर। इसका मतलब क्या होगा बेटा? देखो कि ऐसा रिएक्टर जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, अनुसंधान में किया जाता है, और जिसमें मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, वो कौन सा कहलाता है? ग्रेफाइट मंदित अनुसंधान रिएक्टर या भट्टी। ठीक है, इन और दूसरा जो इसमें अपने पास होता है वो होता है वाटर बॉयलर रिएक्टर, वाटर बॉयलर रिएक्टर। बेटा वाटर बॉयलर जो रिएक्टर होता है उसमें होता क्या है, इसमें साधारण जल वह यूरेनियम के लवण का उपयोग करते हैं मंदक के रूप में। मतलब एक तो साधारण जल हो गया अपने पास, और इसके अलावा यूरेनियम के लवण, इनका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो ये होता है वाटर बॉयलर रिएक्टर। बेटा जो नंबर 3 होता है वो होता है तरण ताल रिएक्टर या तरण ताल भट्टी। तरण ताल रिएक्टर में होता क्या है बेटा, इसमें जो मंदक और शीतलक परिरक्षक होते हैं तीनों कार्य होते हैं। इसमें बेटा अपने पास पानी होता है, ये पानी किस किस का काम करता है? ये पानी मंदक का कार्य करता है, इसके अलावा शीतलक का भी कार्य करता है, और ये परिरक्षक का भी कार्य करता है। यानी कि ऐसा रिएक्टर जिसमें केवल पानी ही मंदक शीतलक और परिरक्षक तीनों का काम करता है वो कौन सा कहलाता है? तरण ताल रिएक्टर कहलाता है। बेटा नंबर 4 पर जो अपने पास होता है वो देखो कौन सा होता है, वो होता है हल्का पानी मंदित रिएक्टर। जैसे बेटा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें कैसे पानी का उपयोग किया जाता है, हल्के पानी का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, या कह दो इस भट्टी के अंदर क्या होता है, पानी जो होता है उसको गहरे बेलनाकार, पानी को गहरे बेलनाकार टैंक में रखा जाता है जो मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद अगला जो होता है नंबर 5 पे, वो अपने पास है भारी पानी मंदित रिएक्टर। भारी पानी मंदित रिएक्टर मतलब पिछले वाले में तो हल्के पानी को बेलनाकार टैंक में रखा था और वो मंदक के रूप में, और बेटा भारी पानी का मतलब होता है D2O, कि ऐसा रिएक्टर जिसमें D2O का उपयोग किया जाता है किसके रूप में, मंदक के रूप में करते हैं, वो कौन सा कहलाता है? भारी पानी मंदक के रूप। हो गया, ये जो 5 प्रकार थे अपने, ये जिसके आधार पर बांटे गए वो था अनुसंधान के आधार पर, कि उपयोग में भी पहला उपयोग कौन सा था, अनुसंधान के आधार पर उपयोग था, और इस अनुसंधान के आधार पर रिएक्टरों को 5 भागों में बांटा गया, जो बेटा ये होते हैं। अगला होता है प्लूटोनियम उत्पादक के रूप में, कि प्लूटोनियम का हम उत्पादन करते हैं उसकी सहायता, उसके रूप में भी हम रिएक्टर का उपयोग करते हैं। तो बेटा प्लूटोनियम का जो उत्पादन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो होता है बाण्मय यूरेनियम 238। इस बाण्मय यूरेनियम 238 की सहायता से हम प्लूटोनियम का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, और इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, नाभिकीय भट्टी का उपयोग किया जाता है। बेटा आप देखो अगला जो अपना आता है, इसके बाद आती है अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। और अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होगी, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ऐसी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वो कहलाती है अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया।
और अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला जो अभिक्रिया होगी उसमें होता क्या, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा परमाणु बम। परमाणु बम जो होता है ये किसका एग्जाम्पल है, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें देखो होता क्या है कि जब भी कोई नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होगी उसमें जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब न्यूट्रॉन नियंत्रित नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे कि वो अनेक नाभिकीय विखंडन मतलब अनेक भारी नाभिकों को विखंडित करेंगे और ये अभिक्रिया कैसी हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। अब बेटा आते हैं परमाणु बम। देखो परमाणु बम में होता क्या है, एक न्यूट्रॉन स्रोत होता है जो बीच में होता है, ये हो गया बीच में एक न्यूट्रॉन स्रोत। इस न्यूट्रॉन स्रोत के साथ बेटा विखंडनीय पदार्थ के रूप में हम उपयोग में करते हैं, और विखंडनीय पदार्थ के रूप में जो यहाँ पर उपयोग में किया जाता है लिया जाता है वो मुख्यतः अपने पास होता है 92 यूरेनियम 235 और इसके अलावा Pu 239। तो विखंडनीय पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, 92 यूरेनियम 235 और Pu 239। Plutonium 239 का उपयोग करते हैं और ये होता है 94 Plutonium 239 और 92 यूरेनियम 235। बेटा इन विखंडनीय पदार्थ के पीछे विस्फोट के लिए TNT लगाया जाता है या डायनामाइट लगाया जाता है, जिनका उपयोग किस में किया जाता है, विखंडन पदार्थ के रूप में किया जाता है, और ये होता है अपना परमाणु बम। हो गया बेटा। इस परमाणु बम में देखो होता क्या है कि इन सबका द्रव्यमान प्रारंभ में देखो प्रत्येक विखंडनीय पदार्थ जो होता है इसका जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है, क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है। लेकिन बाद में क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन स्रोत बीच में है यहाँ पर अपने पास विखंडनीय पदार्थ और इसके ऊपर क्या होते हैं अपने पास ये डायनामाइट या TNT लगे होते हैं। अब इसके बाद होता क्या है इसमें कि जब विस्फोट जो डायनामाइट या TNT इनको विस्फोटित किया जाता है बेटा, तो सारे के सारे जो विखंडनीय पैकेट है पदार्थ के ये सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो इनका द्रव्यमान है वो इस क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा। क्रांतिक द्रव्यमान से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर विस्फोट होता है, विखंडन अभिक्रिया होती है और न्यूट्रॉन स्रोत से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उसके पश्चात ये आपस में इस भारी नाभिकों को विखंडित करते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं प्रकार के नियंत्रक छड़ों का उपयोग हम नहीं करते हैं, मतलब नियंत्रक छड़ों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। और जब नियंत्रक छड़ों का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं मतलब ये अभिक्रिया नियंत्रित नहीं की जा सकती है, और ये कौन सी कहलाती है बेटा, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अब आते हैं अगली जो अपनी हेडिंग है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। बेटा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, समझाया भी था कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होता क्या है कि देखो जो छोटे परमाणु होते हैं, छोटे परमाणु मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है, ठीक, ये बेटा छोटे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम होती है, ऐसे परमाणुओं का होता क्या है कि ये इनकी प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा कम होती है। इनकी जब प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा कम होती है तो ये अस्थायी होते हैं, और इन अस्थायी परमाणुओं के लिए कि जो परमाणु अपने अस्थायी है इन अस्थायी परमाणुओं को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे छोटे परमाणु से क्रिया करते हैं, मतलब दूसरे छोटा जो परमाणु होगा दूसरा छोटा नाभिक होगा इससे अभिक्रिया कर संयोजित हो जाते हैं। और बेटा जब ये संयोजित होंगे तो इसका मतलब हमारी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये होती नाभिकीय संलयन। बेटा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसको समझने के लिए हम करते क्या है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो अपने पास देखो ये क्या होता है 1H2, ये होता है ड्यूट्रॉन, क्या होता है 1S2 ड्यूट्रॉन। तीन ड्यूट्रॉन परमाणु की हम बात करते हैं बेटा, तीन ड्यूट्रॉन परमाणु जो हैं वो आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसके साथ हमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर 27.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब इतने परमाणु मिलकर इतनी ऊर्जा प्राप्त यहाँ पर करते हैं। अब आगे देखो ये ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई है इसको निकालते हैं कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो ऊर्जा मिली है वो नाभिकीय विखंडन से ज्यादा होती है कि कम, तो देखो कैसे निकलेगा, देखो बेटा तीनों ने मिलकर इतनी की है, अगर हम एक परमाणु की बात करते हैं 1s2 मतलब एक ड्यूट्रॉन परमाणु कितनी करेगा, ये थी 21.6
और अपोन में हो जाएगा 3, ये 27 नहीं थी, 21 थी, तो क्या आएगा, भाग दोगे तो 7 और ये हो गया 2, मतलब 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक ड्यूट्रॉन परमाणु से प्राप्त होती है। बेटा अगर हम बात करते हैं एक ड्यूट्रॉन परमाणु के लिए द्रव्यमान की, तो देखो 1s2 होता है, तो इस 1s2 के रूप में हम मानते हैं इसका 2 ग्राम जो होता है, 2 ग्राम परमाणु एंड 2 ग्राम जो ड्यूट्रॉन होता है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 मोल होती है, या 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.023 × 10³³ परमाणु। अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे बेटा, ये होंगे 6.023 × 10³³, इतने हो गए। अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करता हूँ, इतना बटा में 2 हो गया, तो अगर मैं बेटा 1 किलोग्राम की बात करता हूँ तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे ये बताओ, 1 किलोग्राम में जो अपने पास होंगे वो होंगे 6.023 × 10³² बटा में 2 और गुणा में, किलोग्राम को ग्राम में बदलो मतलब 10³, यानी कि इसको इससे काट दो, कितनी बार गया ये काटने पर अपने पास गया 3 बार 0, और ये कितना आएगा आगे सोल्व करने पर अपने पास लगभग 1 आएगा ना, 1 आएगा, 2 एकम 2, अब आगे क्या आएगा 3.01 × 10²², मतलब इतने परमाणु होते हैं 1 किलोग्राम 1s2 में। ठीक है, 1 परमाणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने से कितनी होगी बेटा, इसको इससे 7 गुणा कर दो, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास ऊर्जा प्राप्त होती है लास्ट में संलयन में, इसको गुणा करने के बाद देखो कितनी आएगी, कर दो यहाँ से, जब गुणा करेंगे तो अपने पास ये 26 था, आगे इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो उत्तर अपने पास आता है संलयन अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा, वो होती है 34.6 × 10⁻¹⁹ जूल, पूरे को सोल्व करने के बाद ये उत्तर। ठीक है, जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इस ऊर्जा ये होती है संलयन में, अगर हम वन विखंडन की बात करते हैं 92 यूरेनियम 235 के विखंडन में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 8 × 10⁻¹⁹ जूल, मतलब संलयन में जो ऊर्जा मिली ये ऊर्जा थी संलयन की, और ये ऊर्जा किसकी है विखंडन की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो विखंडन में कितनी मिली 8 और संलयन में कितनी मिली 34, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि विखंडन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो संलयन की तुलना में कम होती है, मतलब संलयन में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, लगभग ई संलयन बराबर क्या होता है 4 × ई विखंडन, लगभग सही आ रहा है 832, मतलब लगभग 4 गुना होता है इसका बेटा, या 4 पॉइंट लगभग अगर एक्यूरेट बात की जाए तो होता है 4.2 गुना। ठीक है, ई संलयन मतलब संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो विखंडन अभिक्रिया की कितनी होती है 4.2 गुना होती है। इसके बाद बेटा अगला जो अपना टॉपिक आता है वो था तारों में ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये मैंने आपको क्लास में समझाया था जिसमें मैंने आपको एक प्रोटॉन चक्र के बारे में बताया था कि प्रोटॉन चक्र होता क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, ये हमने क्लास में पढ़ लिया था। बेटा कल हम पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र, या कहो CN चक्र, इसके बारे में कल पढ़ेंगे, कल अपना ये नाभिकीय विखंडन संलयन और पूरा खत्म हो जाएगा। कल इसके बाद हम शुरू करेंगे अल्फा 6 क्या होता है, बीटा 6 क्या होता है और गामा 6 क्या होता है, बेटा इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा, धन्यवाद।